हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए वही घिसा पिटा सा गेम जिसका नाम है पबजी। तो हम खेल रहे हैं रैंडम बंदों के साथ फिर से। तो ये सारे रैंडम बंदे यसना में लेके आ गए क्योंकि वो लोग सेफ खेलना चाहते थे और मैं भी कर भी कह सकता था इन्हीं के साथ आगे यसना पलियाना पर। तो यहाँ पर तो मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये लोग हॉट ड्रॉप नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए देखना इनका एक एक करके कैसे बलि चराता हूँ मैं। तो बस देखते रहिए इस वीडियो को, इन सारे टीममेट को हम कैसे फंसाते हैं अपने जाल में और खुद बच के निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लूट रहा था तभी आ गया हमारा केडी भाई साहब, जिसको हम केडी बनाने कहता है। तो इसको हम मारने जा रहे थे तो तभी दूसरा केडी भी आ गया मेरे लिए। दो दो केडी हो चुका था। तो देखो, तो पहले वाले बॉट को तो ख़त्म कर दिया और एक की गिड़ी बन चुकी थी। और बॉट भाई साहब मेरे लिए स्कारल बैरल क्या क्या लेके आया था भाई साहब। तो इसको तो मार दिया। और इधर देखो, ये वाला बॉट बैंडिश लगा रहा है, तो इसको भी फटाफट से फिनिश कर दिया। तो इन दोनों बॉट को लूट लिया फिनिश करके। तो अभी जाते रियल बंदों को मारने। तो मैं सोचता था यसना पर बंदे नहीं आते, तो यहाँ पर भी बंदे आते हैं बहुत सारे, तो देखना। तो यहाँ पर मैं एक एक करके अपने टीममेट का बलि चढ़ाने वाला हूँ, बस देखते रहो। तो यहाँ से मैं भाग के उन दो बॉट्स को मार के इस तरफ आ गया। तो इस घर में जब मैं घुसता हूँ तो तभी देखना, यहाँ पर एक दो स्क्वाड आया था तो उसका फायर सुनाई देता है और मैं हो जाता हूँ तैयार इनको मारने के लिए। तो दो नंबर बोलता है वहाँ पर बंदा है, तो देखो ये बंदा यहाँ पर स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रहा था ऊपर चढ़ के। तो इसको डैमेज तो करता हूँ लेकिन ये बंदा चालाक होता है, नीचे कूद जाता है, इससे मेरा किल नहीं होता। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक यूज़ करता हूँ, तो देखना। यहाँ मेरा लेफ्ट साइड में भी एक बंदा है, इसने चार नंबर को पूरा फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर मैं तो पहले उसको देखने की कोशिश कर रहा था कि वो किधर है, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं। तभी मैं एक ट्रिक यूज़ करता हूँ यहाँ पर, जो कि है एक नंबर को बलि चढ़ाने वाला हूँ मैं, जिसको मैं बलि का पकड़ा बनाऊँगा। तो देखना, मैं उसको बोलता हूँ तू ओपन से आ भाई, मैं तेरे को यहाँ पर कवर दूंगा। तो वो पहले नहीं मानता तो बाद में मान जाता है। तो यहाँ पर देखो, उसकी बलि बस चढ़ने वाली थी, उस बंदे ने मेरे एक नंबर को नॉक कर दिया और मैं फटाफट से उसको भी नॉक कर दिया। तो यहाँ पर जैसे तैसे वो एक नंबर तो बच गया। अब इस टीम की बारी है, देखो ये इसको कैसे मारते। पहले तो मैंने एक नेट फेंका, सोचा ऊपर और भी बंदे होंगे तो ऊपर कोई नहीं होता। तो ये बंदा, आप मुझे कमेंट में बताना, ये बंदा ऊपर था जब मैंने उसको फायर किया, तो ये कब नीचे चला गया ये मुझे बताना अगर आपको दिखा है वीडियो में। तो यहाँ पर मैं उस नॉक वाले बंदे को ढूंढ रहा था तभी मुझे दूसरा बंदे का भी फुटस्टेप आने लगता है। और भाई, किल की लालच और केडी की भूख कैसे मिटेगी। तो देखो इस बंदे को भी कैसे मारते। ये बंदा इधर से उधर भागे जा रहा था और मुझे पता था ये अपने बंदे को रिवाइव करने के लिए इसी घर में ज़रूर घुसेगा। तो मैं यहाँ पर टीपी पी लेने लगा और ये बंदा मेरे जाल में भी फंस गया। तो यहाँ पर एक नंबर ने किसी एक को फिर से नॉक कर दिया और जब फुटस्टेप आना बंद हुआ तो मुझे पता चल गया था वो रिवाइव करने बैठ गया। तो देखना कैसे मारते। और भाई यहाँ पर दोनों बंदे ख़त्म, दोनों के दोनों नॉक पड़े। तो मैंने इनको फटाफट से फिनिश कर दिया यहाँ पर, क्योंकि नॉक होकर रेंगते रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सामने और भी बंदे आ चुके थे। तो यहाँ पर देखना, एक बॉट तो पहले था, इस बॉट को फटाफट से फिनिश कर दिया। तो इनको थोड़ा सा मैं लूट लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर देखना है, अब मैं अभी किसी और की भी बलि चढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लूटा लटी कर रहा था तो तभी सामने से किसी ने हमारे एक नंबर को भी फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर मैं दो नंबर के साथ ही वही ट्रिक यूज़ करता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई तू ओपन से भाग के जा, तेरे को मारेगा तो मैं उसको पेटी बना दूंगा। तो ये मेरे बात मान जाता है, ये भी भगता हुआ गया लेकिन किसी ने फायर नहीं किया तो मैं भी भगते हुए चला गया। और भाई रोड क्रॉस कर लिया तो इन स्क्वाड को तो मारना ही है, देखो कैसे मारते इन बंदों को।
तो मैं इधर से टीवी पे लेके देख रहा था और उसको आगे भेज दिया। मैं पीछे से बैकअप के लिए यहाँ पर देख रहा था क्योंकि भाई अपना केडी तो मेंटेन करना ही है और इन रैंडम बंदों को मारते हैं। तो यहाँ पर मैं टीपी पी लेने बैठ गया और देख रहा था कि बंदे किधर है। दो नंबर उस घर में घूम रहा था, तो मैंने उसको फिर से बोला भाई पहले तो इस बॉट की पेटी बनाते हैं। तो फिर मैंने उससे कहा कि भाई तू इधर से आगे चला जा तो मैं तेरे को कबर दूंगा। पहले तो मेरे बात नहीं मानता, कहता है कि दो बंदों को मरवा दिया। फिर मैं बोलता हूँ भाई तू जा, मैं यूट्यूबर हूँ, कुछ बोलता हूँ तो तब जाके वो राजी होता है, तो देखना। तो उस भाई साहब ने यहाँ पर दो नंबर की भी पेटी बनाना चाहता था, तो यहाँ पर जैसे तैसे दो नंबर तो बच गया। इसको ऐसे पेटी थोड़ी ना बनाने देंगे, तो इसको जैसे तैसे बचा लिया। तो यहाँ पर एक और केडी आ चुका था, केडी मतलब हमारा बॉट भाई साहब। तो इसको भी फटाफट फिनिश करते और निकलते यासना में। तो देखिए यासना से निकलने से पहले ही मेरे 6 किल हो चुके हैं यहाँ पर। कौन बोलता है बंदा नहीं आता यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्लेयर चली थी पोचिंग के साइड में, तो मैं और दो नंबर बोलते चलो प्लेयर लूट के आते। और यहाँ पर देखना दो नंबर एक गलती कर देगा, तो हम भाई जा रहे हैं प्लेयर लूटने क्योंकि भाई अपने को भी लूट चाहिए। किल की भूख और केडी की लालच अभी तक नहीं मिटी ना। तो हम फटाफट से गाड़ी उठा के इस वाले रिच पे आ गए, जिसके अपोजिट साइड में जो एक और रिच था वहाँ पर उन्होंने फ्लेयर चला रखा था। तो यहाँ पर पहले से दो स्कॉट था, तो मैं यहाँ पर देखने लगता हूँ कहाँ से किल चोरी कर सकूँ। तो दो नंबर देखो ओपन में सांप बन चुका है। तो पहले तो एक बंदा दिखता है जिसको मैं एमके से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंदा जैसे तैसे बच के निकल जाता है। तो यहाँ पर दो नंबर भाई साहब ने एक बंदे को तो नॉक कर ही दिया, और मैं इस बंदे को बोल रहा था कि भाई तू पीछे आ जा, लेकिन ये भाई मेरे बात का सुनने वाले थे। इसको भी किल की लालच और केडी की फूक ने अंधा बना दिया था। तो ये भाई साहब तो पीछे नहीं आया। तो मैं इधर से और बंदे को देखने लगता हूँ, तभी मुझे नॉक बंदा दिखता है। तो इस नॉक को फटाफट से फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर देखना दो नंबर के साथ क्या होता है। भाई को बोल रहा था मैं पीछे आने को, लेकिन भाई ओपन में सांप बन के बैठे रहेगा। तो इधर से मैं उन बंदों को देखने की कोशिश कर रहा था कहाँ पर है, लेकिन कोई स्पॉट नहीं हो रहा था यहाँ से। तो इस भाई को देखो नॉक करके तुरंत ही फिनिश कर दिया। मुझे स्मोक करने का टाइम तक नहीं मिला। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर अकेला काम नहीं होगा भाई, भागो इधर से, यहाँ पर और भी बहुत सारे बंदे हैं, मुझे अपनी केडी नहीं गिराना, मैं भागता हूँ इधर से। तो मैं उसको छोड़ के इधर से भाग के पोचिंग किया गया। और जैसे मैं उनको के मारने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर जोन भैया खफा हो गए मुझसे। पोचिंग के मैं आया, पोचिंग की से जोन चला गया। पबजी भी बोल रहा था तू साल तीन को मरवाया, तुझे भी मरवाऊँगा। पोचिंग के मैं आया, पोचिंग की से जोन चला गया। यहाँ पर स्कूल में भी आया, स्कूल से भी जोन चला गया, रोजॉक पे चला गया। फिर से गाड़ी उठाई, मैं फिर से रोजक के पहाड़ी पर चल लिया। रोजक से भी जोन चला जाएगा, देखते रहना भाई ये पबजी मेरे साथ क्या करने में तुला है। मैंने दो तीन की पेटी मतलब उसको बैकअप बनाया। तो इस बंदे को पहले तो मेरे सर दिखता है, तो मैं वहाँ पर फायर करता हूँ, लेकिन एक गोली भी नहीं लगती। तो यहाँ पर जोन भाई साहब फिर से खफा हो चुके हैं मेरे से। तो ये फिर से जोन मेरे से ऊपर से जा चुका है। तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि कहीं यहाँ से स्पॉट कर सकूँ, तो कोई नहीं दिखता। मैं बोलता हूँ इधर से भागो जोन में फिर से। पहले तो मैं गाड़ी लेने के सोचता हूँ, फिर बोलता हूँ इतना छोटा सा जोन है और यहाँ पर ये रिच पे गाड़ी लेके करूँगा भी क्या। तो मैं इधर से सीधा ही भागने लगता हूँ रिच के नीचे से। तो यहाँ पर चार ही बंदे बचे हुए थे जो कि आपस में लड़ रहे थे। तो मैंने कहा ऐसे कैसे चलेगा, मुझे भी किल चाहिए, रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ तुम लोगों के बीच में।
तुम्हें यहाँ से पीछे से पूरा फ्लैंक करके आ गया। और देखना भाई इन बंदों को क्या ही मारता हूँ। यहाँ पर चार बंदे बचे हुए थे जो कि तीन एक टीम के थे और एक अलग बंदा था। देखना क्या ही मारते इनको। तो यहाँ पर मैं जब स्कोप ओपन किया तो देखो क्या दिखा मुझे। तो देखो एक बंदा तो नॉक हो चुका है। तो यहाँ पर आके मैं जब स्कोप ओपन किया तो देखा कि एक बंदा नॉक पड़ा है और एक उसको रिवाइव कर रहा है। तो नॉक वाले को तो फटाफट फिनिश कर दिया और दूसरे वाले को भी नॉक कर दिया था। तभी देखता हूँ नॉक करते ही उसका दूसरा जो टीममेट था वो भी उछल के भागने लगता है उधर से। तो मैंने कहा ऐसे कैसे जाने देंगे। तो मैं इधर फटाफट से ऊपर रिच के ऊपर आ गया। तो ऐसे हील विल लगा रहा था और आखिरी बंदा ही बचा हुआ था। तो देखना वो आखिरी बंदा कहाँ पर बैठा हुआ है। तो मैं पहले तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये बंदा मेरे पीछे बैठा हुआ है। मैं आगे देख रहा हूँ वो बंदा मेरे पीछे बैठा हुआ है। उसको उसने शायद मुझे स्पॉट नहीं किया था वरना मेरा पेटी बना देता। तो मैं यहाँ पर पूरा बूस्ट बूस्ट लगा लेता हूँ और उस बंदे को ढूंढने जाता हूँ। वो बंदा मेरे पीछे बैठा हुआ था, पता नहीं क्या ही कर रहा था। तो मैं जून के बाहर जाके देख के आता हूँ कहीं वो बंदा जून के बाहर बैठा हुआ, क्योंकि तीनों बंदे यहीं पर थे। तो यहाँ पर कोई नहीं दिखता। तभी मुझे पैर के पास कुछ काला काला सा दिखाई दिया रहे है। तो देखो वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन बैठा हुआ है। वो देखो इच्छाधारी नागिन रेंग रहा था। तो यहाँ पर पहले तो फायर किया तो जिसको थोड़ा सा डैमेज लगा। तो देखो यहाँ पर मैं ग्रेनेड खींचता हूँ तो यहाँ पर बुम ग्रेनेड से चिकन डिनर। आपको क्या लगा ऐसा हुआ? अब गलत निकले। तो देखो इसको कैसे मारते। तो इस भाई साहब यहाँ पर हील लगा रहे थे। भाई मैं इधर रिच के ऊपर बैठा हूँ तो हील लगा रहा है। तो यहाँ पर चिकन डिनर मिल चुका है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और भाई जाते जाते इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जल्दी से मेरा 1K कम्प्लीट कर दो इस वीडियो को शेयर करके। क्या कर रहे हो? दोस्तों को दिखाओ अपने मेरा गेम प्ले, मज़ा आएगा दोस्तों के साथ मिलके देखो। तो अगर आपको ऐसे वीडियो और भी देखना है तो नीचे कमेंट कर देना और इस वीडियो को शेयर करके जाना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।